एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन मैं हूँ शाइनी। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एल्प्स गुडनेस के कुछ प्रोडक्ट्स। पर्सनली मुझे एल्प्स गुडनेस के सारे प्रोडक्ट्स ही पसंद है, क्योंकि वो सारे अफोर्डेबल रेट में आपको मिल जाएंगे, उसके साथ साथ क्वालिटी भी अच्छा होता है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट के बिना मेरे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रोडक्ट मैं हेयर केयर प्रोडक्ट शेयर करूंगी, और ये हेयर केयर प्रोडक्ट एक सिंपल प्रोडक्ट है। ये है एक शैम्पू, और ये एल्प्स गुडनेस का एक हर्बल शैम्पू है। आजकल हर्बल चीजें का ही जमाना है, सब लोग हर्बल ही पसंद करते हैं बिकॉज उसमें कोई केमिकल नहीं होता। तो ये है एल्प्स गुडनेस विथ लव केराटिन शैम्पू, और इसके ऊपर मेरी डिटेल रिव्यू वीडियो है। लेकिन ये जो केराटिन शैम्पू है, अगर आप सोच रहे हैं इसे खरीदना, तो आई विल से कि डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि ये ऑल हेयर टाइप के लिए है। अगर आपकी हेयर बहुत ही ड्राई है, अगर बहुत ही ऑयली है, फिर भी ये अच्छा है। लेकिन अगर आपने ऑयलिंग की है अपने बालों पर, या फिर आपके बाल बहुत ही डर्टी है, तो उसके लिए ये शैम्पू बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही माइल्ड शैम्पू है। नेक्स्ट एक हेयर पाउडर है, यह है हिबिस्कस पाउडर, और हिबिस्कस हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के साथ साथ हेयर फॉल को भी रोकता है। और मैंने इसे परचेस किया था, मेरे हेयर फॉल हो रहे थे उसी वजह से ही मैंने परचेस किया था, एंड आई जस्ट लव दिस पाउडर। और भी मेरे पास एल्प्स गुडनेस के हेयर पाउडर है, यह है रीठा पाउडर। रीठा आपके बालों को क्लेंस करने में बहुत ही अच्छा है। मैं क्या करती हूँ, इन सारे पाउडर्स को एक साथ मिक्स करके अपने बालों में लगाती हूँ, सो दैट गिव्स अ वेरी नाइस रिजल्ट। और रीठा क्लेंसिंग प्रॉपर्टी है, हिबिस्कस का बालों के ग्रोथ प्रमोट करता है वो, सो जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो एक पैक में ही मुझे मिल जाता है। सो नेक्स्ट जो हेयर पाउडर है वो है मंजिष्ठा पाउडर। मंजिष्ठा भी बालों के ग्रोथ को प्रमोट करने के साथ साथ हेयर को अच्छे से डीपली क्लेंस करता है, हेयर फॉल को रोकता है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये ब्रिंगराज पाउडर। ब्रिंगराज आपको पता है ये पाउडर खाने के लिए बेस्ट है, हेयर केयर के लिए बेस्ट है, सो मैंने इसे परचेस किया है। तो सारे प्रोडक्ट्स ही अच्छे हैं, और आप इन पाउडर्स को डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो बिल्कुल बिग थम्स अप है। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट में स्किन केयर हेयर केयर खत्म हो चुका है, अब मैं स्किन केयर प्रोडक्ट शेयर करूंगी, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट नंबर वन लिस्ट में आता है एल्प्स गुडनेस के प्रोडक्ट्स में। दिस इज नीम पाउडर। इतना बड़ा पैकेट है मेरे पास, एंड दिस इज 250 ग्राम। मैंने पहले 50 ग्राम का पैकेट लिया था, उसके बाद मैंने ट्राई किया एंड मुझे बेस्ट लगा ये वाला। इनफैक्ट सैंडलवुड अभी मैंने छोड़ दिया है इस्तेमाल करना, मुझे नीम में इतना अच्छा, ये एकदम बिल्कुल 100% गुड क्वालिटी का है। मेरी तरफ से इट्स अ बिग थम्स अप। अगर आपकी ऑयली या सेंसिटिव या एक्नी प्रोन स्किन है, देन डेफिनेटली आप इसे परचेस कीजिए, सैंडलवुड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मैंने एल्प्स गुडनेस का सैंडलवुड पाउडर भी खरीदा है, बट आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद दिस प्रोडक्ट, और मैं इसे काफी कम इस्तेमाल करती हूँ। ये 50 ग्राम का है, और मैंने इसे बड़ा पैकेट भी परचेस नहीं किया है, बिकॉज ये बिल्कुल सैंडलवुड का जैसा नहीं है, ना दिखने में है और ना इसके रिजल्ट है। ये एकदम मुल्तानी मिट्टी और काइंड ऑफ चीज है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, रिजल्ट भी अच्छा नहीं है। मैं बस अपने पैक में इसे इस्तेमाल करती हूँ, पैक की कंसिस्टेंसी को ठीक रखने के लिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये बिल्कुल काम की चीज नहीं है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैंने बड़े शौक से खरीदे थे, ये है एल्प्स गुडनेस के एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल्स मल्टीपर्पज यूज के लिए है, तो मैंने इसे परचेस किया, और लैवेंडर का जो स्मेल है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रूम फ्रेशनर की तरह आप रख सकते हैं, आप बाथरूम फ्रेशनर की तरह रख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपकी बहुत ज्यादा हेडेक हो रही है, तो आप लैवेंडर एसेंशियल ऑयल को अपने रेगुलर ऑयल के साथ मिक्स करके, ये सब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, तो आपको जब भी इस्तेमाल करना है आपको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है। सो तेल के साथ आप डाइल्यूट कीजिए, उसके बाद उससे मसाज कीजिए, तो बिल्कुल एकदम शांति मिल जाती है। सो ये वाला मैंने उसके लिए परचेस किया है। इनफैक्ट मैं इसे अपने DIYs में भी इस्तेमाल करती हूँ स्किन केयर के लिए, आई गेट वेरी गुड रिजल्ट। और ये वाला टी ट्री है फॉर एक्नी और पिंपल्स, तो ये भी अच्छा है, ये एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। सो मेक श्योर कि आप कभी भी इसे डायरेक्टली अपने स्किन पर इस्तेमाल ना करें, आप इसे डाइल्यूट कर लीजिए रोज वाटर से या फिर नॉर्मल वाटर से, उसके बाद इस्तेमाल करें। अपने फेस पैक में आप जस्ट वन ड्रॉप इसे मिक्स करें, दैट्स इनफ। तो ये भी एकदम नेचुरल है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी है, आप चाहे तो इसे परचेस कर सकते हैं, क्योंकि गुड वाइब्स का थोड़ा सा हाई रेंज का होता है, और ये आपको 100 रुपीज में मिल जाएगा।